कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या क्या हम इस पॉइंट में देखेंगे, ध्यान से देखते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम होगा, कोई सूत्र हमको याद करने में दिक्कत आ रहा है, वो भी सूत्र हल्का हुए। कैसे करते हैं, शुरू उसका देखो। सबसे पहले एक्स अक्ष और क्या हो गया, इधर हम चलेंगे ऊपर से दिक्कत हो गया, जब दोनों का कटाव बिंदु हुआ, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। दूसरी बात हम लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का जो मोड लेंगे हम एक्स वाई लेंगे, क्या लेंगे एक्स वाई, पहले एक्स तब वाई, एक्स को क्या बोलते हैं भूल और वाई को क्या बोलते हैं भूल। यहाँ तो कोई दिक्कत आगे है, जब इधर हम चलेंगे इस डायरेक्शन में एक्स तो प्लस होगा, क्या होगा एक दो तीन चार पाँच, ऊपर जब चलेगा और नीचे चलेगा, यहाँ तक किसी का आपत्ति। सवाल ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा उसको देखो, जब यहाँ से हम शुरू करते हैं, किसी किसी का ये जो डाटा बनाया है याद नहीं हमको, किस घर में प्लस होगा किस घर में, सिंपल से बताए, जब हम यहाँ से लाइन खींचते हैं त्रिकोण का, यहाँ से शुरू करते हैं गोल बनाना कि नहीं करते हैं, कहाँ से यहाँ से शुरू किए, इस घर को हम कौन पद बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला पद, क्या बोलेंगे इसको प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कि नहीं कि डाटा हम खींचे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, प्रथम पद यहाँ, द्वितीय पद यहाँ, तृतीय पद यहाँ, कहने का मतलब यदि एक कमीज का बटन उल्टा लग गया तो पूरा कमीज का बटन उल्टा नहीं करना, इसको पहला पद इसको ध्यान में रखने के लिए क्या हम बताए, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो माइनस प्लस का खेल कैसे होता है, पहले हम किसको बोले से लिखेंगे, प्लस तो नहीं, पहले एक्स को फिर वाई को, घर में एक्स इधर चल रहे थे प्लस तक माइनस प्लस, वाई का मान ऊपर प्लस तक माइनस प्लस, घर का मान हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो पहला घर हो गया प्लस प्लस, दूसरा घर माइनस प्लस, तीसरा घर माइनस माइनस, चौथा घर प्लस माइनस, किसी को रटना नहीं है, कौन घर में क्या होगा तो खुद वो खुद बनेगा। और तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको देखो, क्वेश्चन पूछेगा पांच और चार किस पद में है, चार किस पद में, तो पहला पद में प्लस प्लस लिए थे जिसको कौन पद बोलेंगे, प्रथम पद। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा पांच चार दिया हुआ इसमें बताइए भूज क्या है, कितना है कोटि, कितना चार। आगे क्वेश्चन देगा माइनस तीन और माइनस, इसमें पूछेगा कोटि क्या है, माइनस दो, माइनस दो बोलेगा भूज क्या है, माइनस तीन। आगे पूछेगा माइनस सात और पांच है, इसका बोलेगा भूज क्या है, माइनस सात, माइनस सात। तो एक सवाल कोटि और भूज से निश्चित रहेगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस पद में कौन है, किस पद में कौन है, जिसको ये याद रहा डाटा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वो तो बना लेगा। ठीक है, जिसको याद नहीं भी रहेगा उसके लिए उपाय देखो, उसके लिए आप कान मुड़ के इधर तो खींच सकते नहीं, इधर हो गया एक्स प्लस और इधर एक्स माइनस, यहाँ वाई प्लस और यहाँ वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे कहाँ, देखो जैसे ये पूछा कि माइनस सात और क्या है पाँच है, एक्स वाला माइनस सात था, ई लाइन था एक्स का, ई लाइन क्या था एक्स का, माइनस इधर चलेंगे इधर चलेंगे इधर चलेंगे, ई लाइन को कर दिए। अब वाई प्लस था ऊपर कि नीचे, ऊपर। जब ई घर में हम आए रहने के लिए, इस घर में ई बॉर्डर दिया इधर से, ई वाला घर कौन घर है, दूसरा पद, कौन पद, यहाँ से शुरू किया था पहला घर, दूसरा पद, तीसरा पद, तो कौन घर में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलेंगे माइनस तीन और दो, देखो इसका घर खींचेंगे, एक्स इधर प्लस, एक्स इधर माइनस, वाई प्लस और वाई माइनस माइनस, अब एक्स क्या बोला था माइनस, माइनस एक्स इधर हो गया, अब वाई भी बोला था क्या, तो वाई ऊपर प्लस और नीचे। जब ई घर में आए, ई बॉर्डर इधर से बोला इधर से बाहर नहीं जाना, ई बोला इधर से बाहर नहीं जाना, था हम किस घर में है, इसी को बताना है किस पद में है। तो दो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत, जिनको लिखना है लिखो।